हेलो एवरीवन, 11th क्लास, ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। आपको याद होगा कि हम बात कर रहे थे मैथमेटिकल टूल्स की, और मैथमेटिकल टूल के अंदर हम बात कर चुके हैं डिफरेंशिएशन की। मैं पिछले 3, 4, 5 लेक्चर्स में आप लोगों से डिफरेंशिएशन की ही बात कर रहा था, और मैंने आपको डिफरेंशिएशन सिखाया। क्लास स्टार्ट करने से पहले बच्चों को मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि डिफरेंशिएशन अभी तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं जो हमारा फिजिक्स में यूज़ होता है। देखो, हालांकि डिफरेंशिएशन बहुत बड़ा है, डिफरेंशिएशन की कोई लिमिट नहीं है। बहुत अलग अलग वैरायटीज़ के क्वेश्चन प्रॉब्लम्स उसके ऊपर बन सकती हैं मैथमेटिक्स में, यानी 12th क्लास में जाकर बहुत बड़ी यूनिट उसके ऊपर आती है। लेकिन हमें तो सिर्फ उतना डिफरेंशिएशन पढ़ना था जो हमारे काम का है, और वो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, ओके। सो बच्चों, डिफरेंशिएशन तो हम लोगों ने पढ़ लिया है, आज हम बात करने वाले हैं स्टूडेंट इंटीग्रेशन की। देखिए, आज की क्लास में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट रहने वाला है वो है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन बच्चों, इंटीग्रेशन की डेफिनेशन अगर मैं आप लोगों से कहूँ तो बहुत ईजी है। डेफिनेशन में कुछ नहीं है इंटीग्रेशन की। डेफिनेशन मात्र इतनी सी है कि जो अभी हम लोगों ने जस्ट डिफरेंशिएशन पढ़ा, उस डिफरेंशिएशन का जो रिवर्स प्रोसेस रहने वाला है स्टूडेंट, उस डिफरेंशिएशन का जो रिवर्स प्रोसेस रहने वाला है वही रिवर्स प्रोसेस हमारा इंटीग्रेशन कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप ये देखिए कि मान लीजिए कि मैंने किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आप लोगों से कहा था कि भाई हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने मेरे पास में मान लीजिए कि ग्लास का एक बॉल है, मैंने ज़मीन के ऊपर उसे पटक दिया। जैसे ही वो अर्थ के सरफेस से टकराया, छोटे छोटे पीसेस के अंदर डिवाइड हो गया, ये तो हो गया डिफरेंशिएशन। अगर मैंने दोबारा से उसे उठाकर जोड़ दिया किसी फेविक्विक का यूज़ करके या किसी और गम वगैरह का यूज़ करके, तो वो हो गया इंटीग्रेशन। यानी अगर मैंने किसी चीज़ को ब्रेक कर दिया, दैट इज़ कॉल्ड डिफरेंशिएशन, दोबारा से उसे जोड़ दिया, तो ये कहलाएगा इंटीग्रेशन। तो आप ध्यान रखें, जो इंटीग्रेशन है वो डिफरेंशिएशन का एकदम से रिवर्स प्रोसेस है स्टूडेंट। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं सिंबॉल क्या होगा। बच्चों, जो सबसे जरूरी चीजें हमारे पास में वो है सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन, कि भैया सिंबॉल क्या होना है। देखिए, सिंबॉल होना है ये जो आपको दिख रहा है ना बच्चों, इसका मतलब है कि इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम लोग। इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं। यहां मैंने लगाया dx, इतना आपके सामने लिखा हुआ है, तो आप कहेंगे कि ये इंटीग्रेशन का सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन है। ये जो मैंने आपके सामने लिखा है बच्चों, ये इंटीग्रेशन का सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन है, और इसका मतलब है कि हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। इसका मतलब है कि हम x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं बच्चों, और ये है हमारे पास में fx। अब आप इसका पूरा मतलब समझिए स्टूडेंट, इसका पूरा मतलब है हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, fx का इंटीग्रेशन कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में। इसका पूरा मतलब है स्टूडेंट, इंटीग्रेशन कर रहे हैं fx का x के रेस्पेक्ट में, हमें fx का इंटीग्रेशन करना है x के रेस्पेक्ट में। ये सिचुएशन है हमारे पास में स्टूडेंट, आप ध्यान रखेंगे। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हमें इंटीग्रेशन का मतलब पता होना चाहिए। इंटीग्रेशन का मतलब मैंने आपको बता दिया है, द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन क्या है, सिंबॉल क्या होगा इंटीग्रेशन का। स्टूडेंट, ये हमारा सिंबॉल है, इसका मतलब है कि इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इसका मतलब है कि x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, और ये जो बीच में लिखा हुआ है fx, इसका हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ये इंटीग्रेशन के बेसिक्स रूल है हमारे पास में। ठीक है, ओके। तो ये तो हो गई है इंटीग्रेशन की डेफिनेशन स्टूडेंट। अब हम आते हैं अपने मेन पॉइंट के ऊपर कि इंटीग्रेशन के रूल्स क्या हैं हम लोगों के पास में। देखिए स्टूडेंट, मैंने आपको बताया कि इसका मतलब है कि इंटीग्रेशन कर रहे हैं। किसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं? एक्स टू दी पावर एन का इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, किसका इंटीग्रेशन? x टू दी पावर n का इंटीग्रेशन। किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में। स्टूडेंट, इसका मतलब यह है इंटीग्रेशन कर रहे हैं, x टू दी पावर n का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में।
तो जब आप x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे ना बच्चों, वहां रूल क्या था डिफरेंशिएशन में, मैं आपको याद दिला देता हूं। डिफरेंशिएशन में रूल ये था कि पावर आगे आ जाएगी और पावर में से एक कम हो जाएगा। यदि x की पावर n है तो वो जो n है वो x के सामने आ जाएगी और n में से एक कम कर देंगे तो वो n माइनस वन हो जाएगा। यहां पर क्या होने वाला है स्टूडेंट, आप ध्यान दें, यहां पर होने वाला है ये जो x की पावर n है इस n में हम 1 ऐड कर देंगे और जो ऐड करके आएगा उसी से हम डिवाइड कर देंगे और साथ में लगा देंगे प्लस c। मैं आपको बताऊंगा कि प्लस c हमने क्यों लगाया है, आप चिंता मत करें, पहले आप सिंपल रूल को समझें। इसका मतलब इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इसका मतलब x के रेस्पेक्ट में, इसका मतलब है कि इसका इंटीग्रेशन हमें करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है x के रेस्पेक्ट में, ये हमारे पास में रूल है स्टूडेंट। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूं। देखिए एग्जांपल नंबर 1, इंटीग्रेशन x टू द पावर 5 dx, मैंने ये लिखा, इसका मतलब इंटीग्रेशन कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं। किसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इसका रूल ये है कि अभी x की पावर 5 है, 5 में आप 1 को ऐड करिए 6, और 6 आया, इसी 6 से आप डिवाइड करिए और साथ में लगा दीजिए प्लस c। ये हमारे पास में एक बेसिक सी कंडीशन है बच्चों। एग्जांपल नंबर 2, मैंने लिखा इंटीग्रेशन x टू द पावर 1/2 dx। क्यों भाई कैसे पढ़ोगे बच्चों, बताओ कैसे पढ़ोगे आप इसे, इसे पढ़ने का तरीका क्या होगा, इसे पढ़ने का तरीका होगा स्टूडेंट, इंटीग्रेशन कर रहे हैं x की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन करना है, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में करना है। तो जब x की पावर 1/2 का हम इंटीग्रेशन करेंगे ना बच्चों, तो ये बनेगा x की पावर 1/2 प्लस 1, पावर में 1 ऐड कर देंगे, 1/2 प्लस 1 3/2 और साथ में हो जाएगा प्लस c। स्टूडेंट ये हमारे पास में कंडीशन रहेगी, कुछ इस तरीके से हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। एक और एग्जांपल आप लोग देखें, एग्जांपल नंबर 3, ये समझ लीजिए कि ये सबसे महत्वपूर्ण रूल है बच्चों हमारे पास में। क्यों भाई इसे कैसे पढ़ोगे, बताएगा हमें कोई इसे पढ़ने का तरीका क्या है। बच्चों इसे पढ़ने का तरीका है कि हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, x टू दी पावर माइनस 6 का इंटीग्रेशन करना है, x के रेस्पेक्ट में करना है, यानी इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम लोग स्टूडेंट, इसका इंटीग्रेशन। जब x टू दी पावर माइनस 6 का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस 6 प्लस 1 अपॉन माइनस 6 प्लस 1 प्लस सी, यानी आंसर बनेगा x टू दी पावर माइनस 5 अपॉन माइनस 5 प्लस सी। ये बच्चों हमारे सामने आंसर बनेगा। ओके नेक्स्ट, इंटीग्रेशन x टू दी पावर 7/2 dx। जरा समझिए इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब है बच्चों हमें इंटीग्रेशन करना है, किसका इंटीग्रेशन करना है, x की पावर 7/2 का इंटीग्रेशन करना है, किसके रेस्पेक्ट में करना है, x के रेस्पेक्ट में करना है। तो जब इसका इंटीग्रेशन हम लोग बच्चों करेंगे तो क्या होगा, x की पावर 7/2 प्लस 1 अपॉन 7/2 प्लस 1, यानी x टू दी पावर प्लस c भी हम लोग कर देते हैं, यानी x टू दी पावर 9/2 प्लस c। ये सिचुएशन हमारे पास में स्टूडेंट रहने वाली है। तो आप ये समझ लीजिए कि इंटीग्रेशन एक बहुत ही आसान प्रोसेस है और ये डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा प्रोसेस है। डिफरेंशिएशन का मतलब हो गया छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करना, और इंटीग्रेशन का मतलब है उन पार्ट्स को इकट्ठा करके एक बड़ा पार्ट क्रिएट करना, एक बड़ी चीज को प्रोड्यूस करना, ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया है। ये अगर मैं पैन को छोटे 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 पीस में कट कर देता हूँ, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन, और अगर उन्हीं सभी पीसीज को इकट्ठा करके मैं दोबारा से पैन बना देता हूँ तो ये इंटीग्रेशन कहलाएगा। ये बात स्टूडेंट आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है। इंटीग्रेशन का रूल नंबर 1 हमारे सामने है कि इसका इंटीग्रेशन हमें करना है तो इसकी पावर में 1 ऐड कर देंगे और जो आएगा उसी से डिवाइड कर देंगे। 4 एग्जाम्पल मैंने इसके ऊपर आप लोगों को बताए जो आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है, बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ठीक है। चलिए अब यहां से हम लोग बढ़ जाते हैं आगे, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। अभी हम लोग यहां से आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं कि रूल नंबर 2 क्या है बच्चों।
अब आते हैं रूल नंबर टू पर स्टूडेंट। रूल नंबर टू है के एक्स टू दी पावर एन डी एक्स। ये सिचुएशन है स्टूडेंट के एक्स टू दी पावर एन डी एक्स। कैसे हम लोगों को इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, देखो क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन, फिर है के, फिर है एक्स टू दी पावर एन और फिर है डी एक्स। कैसे हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, जरा आप लोग ध्यान से समझिएगा बच्चों। सबसे पहला काम यह है कि ये जो के है ना, ये कांस्टेंट है। ये क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट को हम यहां से बाहर रखेंगे, के को हमने बाहर रखा, अंदर बन चुका है एक्स की पावर एन डी एक्स। अब यहां तक तो हम लोगों ने पढ़ रखा है यार, जस्ट अभी हम लोग पढ़ कर गए भाई। क्या पढ़ा हम लोगों ने, क्या मतलब है इसका? ये जो मैं जिसके ऊपर ये रेड मार्क कर रहा हूं मैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बच्चों इंटीग्रेशन कर रहे हैं x की पावर n का dx के, यानी x के रेस्पेक्ट में। इसके साथ में जो भी नंबर था या जो भी कांस्टेंट था उसे हमने बाहर रख लिया। इसका इंटीग्रेशन बड़ा इजी है, इसका इंटीग्रेशन बड़ा इजी है। कैसे करेंगे? इसकी पावर कितनी है? n। इस n में 1 को ऐड कर देंगे, जो ऐड करने के बाद में आएगा उसी से डिवाइड करेंगे और प्लस साथ में कांस्टेंट लगा देंगे c। हम आपको एग्जाम्पल बताते हैं, दो एग्जाम्पल से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा बच्चों आपका। क्या है एग्जाम्पल जरा समझिएगा। एग्जाम्पल यह है स्टूडेंट इंटीग्रेशन 2x की पावर 3 dx। हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। क्यों भाई, कैसे करेंगे इंटीग्रेशन? सबसे पहले आप ये समझिए कि ये जो 2 है ये कांस्टेंट है, इसे बाहर रखिए। सबसे पहले हमने 2 को बाहर रखा, उसके बाद इंटीग्रेशन x टू दी पावर 3 dx, उसके बाद 2। ये x की पावर 3 है, यहां भी x की पावर 3 है, x की पावर 3 का इंटीग्रेशन करेंगे x की पावर 4/4। पावर में एक ऐड कर दिया, ऐड करके जो आया उसी से डिवाइड कर दिया और प्लस साथ में लगा दिया प्लस c। सो फाइनल आंसर इज एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। बच्चों ये बन गया है हमारे पास में फाइनल आंसर। उम्मीद है कि इतना आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं कि क्या होगा। इंटीग्रेशन 5x की पावर -4 dx। हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। कैसे करेंगे भाई? आप देखो, सबसे पहले आप इसे ध्यान से देखो कि हम इसका इंटीग्रेशन कर कैसे सकते हैं यार। इंटीग्रेशन करने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो क्या है कि ये जो कांस्टेंट है ना 5, ये अंदर नहीं होना चाहिए, इसे हमें बाहर रखना है। तो सबसे पहले 5 को हम बाहर लेकर आ जाते हैं। ये 5 को हम बाहर लेकर आ गए, अंदर बचा x की पावर -4 dx। बताइए बचा या नहीं बचा? x की पावर -4 को हम लोगों ने स्टूडेंट बाहर रखा। उसके बाद देखिए क्या सिचुएशन है, 5x टू दी पावर -4 dx। अब सिंपल रूल हमारे पास में स्टूडेंट ये है, x की पावर में माइनस के 4 है, इस -4 में हम 1 को ऐड करेंगे, -4 में 1 को ऐड करने के बाद में आएगा माइनस के 3 और साथ में रखेंगे प्लस सी। सो स्टूडेंट फाइनल आंसर अपने पास में बनने वाला है माइनस के 5/3 x टू दी पावर -3 प्लस सी। ठीक है, ये जो प्लस सी मैं लगा रहा हूं ना, इसके पीछे खास कारण है जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, लेकिन पहले आप अपने रूल्स जान लीजिए क्या है। तो बच्चों एक तो मैंने आपको बिल्कुल सिंपल रूल बताया। सिंपल रूल क्या है कि जब इंटीग्रेशन में खाली एक्स का, वाई का या जेड का फंक्शन है जिसका भी हमें इंटीग्रेशन करना है, उसके साथ में कोई भी कांस्टेंट नहीं है, उस कंडीशन में तो बिल्कुल सिंपल रूल है कि जो पावर दे रखी है पावर में एक ऐड कर दीजिए और ऐड करके जो आएगा उसको उससे डिवाइड कर दीजिए, हमारा इंटीग्रेशन फिनिश्ड हो जाएगा। रूल नंबर टू स्टूडेंट ये है कि पहले आपको कांस्टेंट को बाहर रखना है। जैसे 5 कांस्टेंट था ना, हमने पहले 5 को बाहर रखा, x की पावर -4 का इंटीग्रेशन कर दिया, तो ये आंसर हम लोगों का बन गया। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को बात समझ में आई होगी और आप लोग कर पाएंगे आराम से, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। ये हमारे पास में दो रूल्स हो गए हैं बच्चों। अगला रूल मैं आप लोगों को पढ़ाऊँ उससे पहले हम इन दोनों रूल को कम्बाइन कर देते हैं, देखते हैं कि दोनों रूल्स को कम्बाइन करके क्या कंडीशन आने वाली है स्टूडेंट। ठीक है, देखो जैसे कि मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखा है स्टूडेंट। एग्जाम्पल क्या है? इंटीग्रेशन 5y^4 + y^-3 और यहाँ आ गया है dy।
स्टूडेंट ये कंडीशन अपने पास में आई है, इसका हम लोगों को इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। अब जैसे ही आप लोगों ने क्वेश्चन देखा, एकदम से माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए कि भाई हम लोगों को इसके अंदर करना क्या है। चलिए देखते हैं कि हम लोग इसके अंदर क्या कर सकते हैं। भाई सबसे पहला काम बच्चों हमारा ये है कि इंटीग्रेशन का सिंबल हमने एक बार इसके साथ में रखा, एक बार इसके साथ में रखा। चलिए रखते हैं इंटीग्रेशन का सिंबल इसके साथ में, 5y4dy प्लस इंटीग्रेशन y-3dy, ठीक है। समझ आ गई इतनी बात आप लोगों को। अब हम क्या करेंगे, हमने दोनों के साथ में इंटीग्रेशन का सिंबल रखा। 5 क्या है स्टूडेंट, 5 है कांस्टेंट, तो 5 को हम बाहर रखते हैं, 5 को हमने बाहर रखा। y की पावर 4 में 1 ऐड करेंगे, y-5, और 5 से ही यहां हम लोग डिवाइड कर देंगे। इसके बाद इसका काम कंप्लीट हो चुका है, इसका इंटीग्रेशन हम लोगों ने कर दिया है। सबसे पहले 5 को हम लोगों ने बाहर रखा, y की पावर 4, देखो y का इंटीग्रेशन y के रेस्पेक्ट में करना है तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डिफरेंट नहीं होने चाहिए। यहां भी y है और यहां भी y है, तो y की पावर 4 का इंटीग्रेशन हम लोगों ने किया तो ये कंडीशन बन गई। अब यहां आते हैं बच्चों, देखो y-3 और यहां भी y की पावर -3 का इंटीग्रेशन करेंगे, हमने एक ऐड किया, -3 + 1 कितना आएगा, -2 से डिवाइड किया और साथ में लगा दिया है c। कुछ इस तरीके से स्टूडेंट हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं, कुछ ऐसे आप लोगों को इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। एक और एग्जांपल देखते हैं कि अगला एग्जांपल हमारे पास में क्या हो सकता है। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, इंटीग्रेशन t-4 + t-2 + 2t2 dt। स्टूडेंट ये कंडीशन है अपने पास में, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। अब मैंने जैसे ही क्वेश्चन को देखा तो मैंने कहा कि यार ये तो एलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन हो गया। क्या हो गया, एलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन। दो तीन फंक्शन है, यानी दो तीन टर्म है जो आपस में एडिशन में है, तो सबसे पहला काम हमारा ये है कि हम लोग सबके साथ में इंटीग्रेशन का जो सिंबल है वो अलग अलग करके ले लेते हैं। एक बार इंटीग्रेशन इसके साथ, एक बार इंटीग्रेशन इसके साथ, एक बार इंटीग्रेशन इसके साथ में, हम तीनों के साथ में इंटीग्रेशन का सिंबल अलग अलग ले लेते हैं। तो ये बनेगा इंटीग्रेशन t-4 dt प्लस इंटीग्रेशन t-2 dt प्लस 2 को बाहर रखेंगे, ये हो जाएगा t² और ये हो जाएगा dt। ये कंडीशन होंगे बच्चों हमारे पास में, हमने तीनों के साथ में इंटीग्रेशन अलग अलग ले लिया है, ठीक है। देखते हैं इसके बाद हम क्या कर सकते हैं बच्चों, ये है t-4। जब t-4 का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर में एक ऐड कर देंगे, 4 में जैसे ही हम 1 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 और अपॉन में 5, t-5/5। उसके बाद में प्लस t-2, ओनली t-2, t-2 में हम 1 ऐड करेंगे तो -2 में 1 ऐड कर आएगा -1, ये हमने नीचे रखा। 2 को हम पहले ही बाहर ले चुके हैं, 2t² का हम करेंगे तो ये हो जाएगा t-3/3c। तो बच्चों ये हो गया है हमारा इस फंक्शन का इंटीग्रेशन, कुछ इस तरीके से हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो दो बेसिक रूल बच्चों मैंने अभी तक आप लोगों को बताए हैं। एक बेसिक रूल हमारे पास में सिंपल ये है कि जो मैंने आपको यहाँ बता रखा है कि पावर में एक ऐड करेंगे, ऐड करके जो आएगा उससे डिवाइड करेंगे, एक रूल तो ये हो गया। दूसरा रूल स्टूडेंट ये है कि जो भी कांस्टेंट होगा उसे पहले बाहर लेकर जाएंगे, उसके बाद इसका सिंपल तरीके से कर देंगे जो हम लोगों ने सिंपल मेथड पढ़ा है कि पावर में एक ऐड कर देंगे, ऐड करके जो आएगा उससे डिवाइड करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि इतनी बात आप लोगों को समझ में अभी तक आई होगी। मैंने आपको बताया कि इंटीग्रेशन क्या है, भाई डिफरेंशिएशन हो गया, इस मार्कर को छोटे 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 पीसीज में कट कर दिया हम लोगों ने, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। उस मार्कर को दोबारा से इकट्ठा करके हमने ये मार्कर बना दिया, छोटे छोटे पीसीज को इकट्ठा करके पूरा मार्कर बना दिया, ये हो गया इंटीग्रेशन। यानी इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस हैं। डिफरेंशिएशन ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, YouTube के ऊपर हमारे सभी लेक्चर्स, जितने भी लेक्चर्स हैं वो अवेलेबल हैं। आपको सिर्फ इतना करना है कि जितने भी हमारे लेक्चर्स हैं
आपको ध्यान से देखना है डिफरेंशिएशन के ऊपर, डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट आपका फिजिक्स लेवल पर क्लियर हो जाएगा। अभी आज से हम लोगों ने बात की है इंटीग्रेशन की, दो रूल मैंने आप लोगों को बताए हैं, इसे आप लोग जल्दी से नोट डाउन करिए। ओके स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं, दो रूल मैं आप लोगों को बता चुका हूं, नेक्स्ट रूल देखते हैं कि क्या है अपने पास में। रूल नंबर थ्री, देखो बच्चों, रूल नंबर थ्री है, सॉरी ये तो मैं डिफरेंशिएशन पे आ गया यार, डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ना है, रूल नंबर थ्री ये है वन। देखो अगर हमें वन का इंटीग्रेशन करना है एक्स के रेस्पेक्ट में तो ये आएगा एक्स, अगर हमें वन का इंटीग्रेशन करना है वाई के रेस्पेक्ट में तो ये आएगा वाई, और अगर हमें वन का इंटीग्रेशन करना है जेड के रेस्पेक्ट में तो ये आएगा जेड। यहां भी प्लस में सी, यहां भी प्लस में सी, और यहां भी प्लस में सी। वन का इंटीग्रेशन एक्स के रेस्पेक्ट में एक्स प्लस सी, ये सी क्यों आ रहा है चिंता मत करिए, मैं बताऊंगा आप लोगों की सी आ क्यों रहा है, ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभी आप देखते रहें। वन का इंटीग्रेशन वाई के रेस्पेक्ट में वाई प्लस सी, वन का इंटीग्रेशन जेड के रेस्पेक्ट में स्टूडेंट ये आएगा हमारे पास में जेड प्लस सी। ये रूल नंबर तीन है हमारे पास में। रूल नंबर फोर देखते हैं स्टूडेंट क्या होगा। रूल नंबर फोर है वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन डी एक्स के रेस्पेक्ट में, ये हो जाना है बच्चों लॉग एक्स। अगर मैं वन अपॉन वाई का इंटीग्रेशन करता हूँ वाई के रेस्पेक्ट में तो स्टूडेंट ये हो जाएगा लॉग मॉड वाई, यहाँ भी प्लस सी, यहाँ भी प्लस सी। आप इस बात को अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। दो एग्जाम्पल से मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि अगर आप वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो लॉग एक्स, वन अपॉन वाई का इंटीग्रेशन करेंगे तो लॉग वाई, इतना ध्यान रखेगा। और हमारे लायक रूल नंबर फाइव ये है, अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं ई टू दी पावर एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में तो ई टू दी पावर एक्स प्लस सी ही आएगा। देखो यही तो इसका डिफरेंशिएशन था और यही इसका इंटीग्रेशन है, ई की पावर एक्स का जो डिफरेंशिएशन था वो भी ई की पावर एक्स ही था, और e की पावर x का जो इंटीग्रेशन है वो भी e की पावर x ही है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि log x logarithmic function, e to the power x exponential function, जैसे आपने 10th क्लास के अंदर trigonometric function पढ़े होंगे ना, ये बिल्कुल वैसे ही हैं, ठीक है। मैं इंटीग्रेशन के तुरंत बाद log ही आपको पढ़ाने वाला हूं, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, आपको बहुत अच्छे से वहां समझ में आएगी बात। स्टूडेंट ये अभी हमारे पास में पांच रूल हैं जो मैंने आप लोगों को बताए, और इन्हीं पांच रूल को हमें क्वेश्चंस के ऊपर अभी अप्लाई करना है। रूल नंबर वन में एक बार और आपके सामने लिख देता हूं जिससे कि आप लोगों को याद रहे। स्टूडेंट रूल नंबर वन था हमारे पास में इंटीग्रेशन एक्स टू दी पावर एन डी एक्स, एक्स टू दी पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी, पावर में एक जोड़ देना है जैसे मैंने यहां जोड़ दिया, और जो आएगा उसी से डिवाइड कर देना है। और दूसरा रूल है के एक्स टू दी पावर एन डी एक्स, के को बाहर रखना है, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। तो बच्चों कुल मिलाकर अभी मैंने आपको पांच रूल बताए हैं, ये रूल नंबर वन है, ये रूल नंबर टू है, ये रूल नंबर थ्री है, ये रूल नंबर फोर एंड ये रूल नंबर फाइव। अब मैं कोई ऐसा सवाल देखता हूँ जिस पर ये पांचों रूल अप्लाई हो रहे होंगे, मुझे उम्मीद है कि उस रूल से काफी कुछ फिर आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। चलिए कोई ऐसा क्वेश्चन देखते हैं जिस पर पांचों रूल अप्लाई हो रहे होंगे। मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखता हूं स्टूडेंट, एग्जाम्पल क्या है जरा समझिएगा भाई। आप जानते हैं कि इसका मतलब है इंटीग्रेशन, ये जो मैंने आपके सामने सिंबॉल बनाया है बच्चों, इसका मतलब है इंटीग्रेशन। यहां लिया हमने एक्स स्क्वायर, यहां लिया है टू एक्स टू दी पावर थ्री, यहां लिया है टू अपॉन एक्स, ठीक है, यहां लिया है स्टूडेंट हम लोगों ने e टू दी पावर x, और यहां लिया है 5 और यह है dx। हमें इसका इंटीग्रेशन करना है बच्चों, इसका इंटीग्रेशन 1 2 3 4 5, पांच रूल हैं और पांच ही कंडीशन है मेरे पास में।
कैसे मैं उन पांच रूल को इन पांच कंडीशंस के ऊपर अप्लाई करूंगा, ये हम लोगों को देखना है बच्चों, ठीक है। चलिए उन पांच कंडीशंस को इन पांच रूल के ऊपर अप्लाई करते हैं। कैसे अप्लाई करेंगे देखिए जरा। सबसे पहले हमने इंटीग्रेशन का सिंबल इसके साथ लिया, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस। अब इंटीग्रेशन जब इसके साथ लेंगे तो इस दो को बाहर रखेंगे, ये हो गया दो एक्स टू दी पावर थ्री डी एक्स प्लस। जब इंटीग्रेशन इसके साथ लेंगे तो ये दो भी बाहर रखा जाएगा। जब ये दो बाहर आ जाएगा बच्चों तो ये बचेगा वन अपॉन एक्स डी एक्स, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन फाइव डी एक्स, और ये कंडीशन हमारी कंप्लीट। मैंने सबके साथ में इंटीग्रेशन का सिंबल ले लिया है अलग अलग। चलिए देखते हैं कि इसका इंटीग्रेशन क्या आने वाला है। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे एक्स टू दी पावर थ्री अपॉन थ्री। एक्स स्क्वायर का अगर हमने इंटीग्रेशन किया तो कितना आएगा, पावर में एक ऐड कर देंगे, नीचे अपॉन थ्री से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, प्लस टू एक्स टू दी पावर थ्री है, वन ऐड करेंगे फोर और फोर से यहां डिवाइड करेंगे, ठीक है। उसके बाद प्लस टू, मैंने अभी बच्चों आप लोगों को बताया था बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन स्टूडेंट होने वाला है लॉग मॉड एक्स, लॉग मॉड एक्स, ठीक है, प्लस ई टू दी पावर एक्स का ई टू दी पावर एक्स ही होगा। अगर मैं इस पांच को यहां से बाहर रखूं तो यहां बचेगा वन, और वन का इंटीग्रेशन एक्स के रेस्पेक्ट में होगा एक्स, ये हो जाएगा फाइव एक्स प्लस सी। तो ये मेरे पास में बच्चों फाइनल आंसर बनने वाला है। यार बिल्कुल सिंपल है, रूल नंबर वन, रूल नंबर टू, रूल नंबर थ्री, रूल नंबर फोर एंड रूल नंबर फाइव, हमने सब के ऊपर रूल अप्लाई कर दिया है स्टूडेंट। इसका इंटीग्रेशन ये, इसका इंटीग्रेशन ये, वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग मॉड एक्स, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स, फाइव को बाहर लिया हम लोगों ने, वन का इंटीग्रेशन एक्स और साथ में है सी, ये सिचुएशन स्टूडेंट हमारे पास में रहने वाली है। उम्मीद है कि आप लोगों को बात समझ में आई होगी, ठीक है। तो बच्चों ये आज का हमारा इंटीग्रेशन का लेक्चर है जिसमें मैंने आपको बेसिक इंटीग्रेशन के बारे में बताया है। मेरी सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है बच्चों आप लोगों से कि मैं इंटीग्रेशन आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, उससे पहले आप डिफरेंशिएशन को जरूर पढ़ें। डिफरेंशिएशन के लेक्चर्स आपको हमारे यूट्यूब चैनल लाइफाई लर्निंग के ऊपर मिल जाएंगे, ये लेक्चर भी आपका वहीं जाने वाला है, तो सभी लेक्चर्स को आप अच्छे तरीके से पढ़ें, सबके अपनी कॉपी के अंदर नोट्स प्रिपेयर करें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, वहां से आप क्वेश्चंस को ट्राई करें, ठीक है। जो भी आपके डाउट्स आते हैं थ्रू व्हाट्सएप थ्रू कॉमेंट्स आप मेरे पास में अपने डाउट्स को भेज सकते हैं बच्चों, ठीक है, ओके। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है स्टूडेंट आप लोगों के लिए, अभी जस्ट हमने यूट्यूब के ऊपर एक वीडियो अपलोड की है जिसमें बताया गया है कि बच्चे के रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या रहेगा और किस तरीके से उसे अपना रजिस्ट्रेशन कराना है। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं और अपनी क्लासेस को कंटिन्यू करना चाहते हैं वो वहाँ से वीडियो को देखकर अपने रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंटिन्यू कर सकते हैं, ओके। उसमें पूरी बात बताई गई है कि कैसे आपको फीस सबमिट करनी है और टेस्ट किस तरीके से होंगे, एवरीथिंग सब कुछ उसके अंदर हम लोगों ने मेंशन किया है। तो आप लोग जल्दी से जल्दी ऐप को डाउनलोड करें, और डाउनलोड करने के बाद में जो प्रोसेस उसके अंदर बताया गया है उस प्रोसेस को फॉलो करें, क्योंकि 11th अप्रैल से आपके 11th क्लास के जो लेक्चर्स हैं वो यूट्यूब के ऊपर नहीं आएंगे बच्चों। 11th अप्रैल से आपके जितने भी लेक्चर्स हैं वो हमारे ऐप जिसका नाम है लाइफाई लर्निंग वहां पर पब्लिश किए जाएंगे। तो उससे पहले आप लोग अपने रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट कर लें, ओके स्टूडेंट।